हेलो स्टूडेंट्स सो इन माय लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज और मैंने कहा भी था आपको कि इस वी इस वीडियो में हम जो है एक्सपर्ट से कुछ एडवाइस जानेंगे कि जो किताबें जिन्होंने लिखी हैं उन्होंने क्या वैल्यूएशन किया है इंटरव्यू का और किस तरह आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए तो यहाँ एक नाम लिखा है चार्ल्स टूअर्ट चार्ल्स स्टूअर्ट ने एक किताब लिखी थी इंटरव्यूइंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस उसमें इन्होंने लिखा था कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो पर्सन अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू लेने का या जॉब सर्च करने का उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है खुद को एनालाइज करने का यानी सेल्फ एनालिसिस तो सेल्फ एनालिसिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जो उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा जानते हैं कि सेल्फ एनालिसिस करने से आपको एक बेहतर ओवर पॉइंट ओवरव्यू मिलेगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह रिएक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ किस तरह आप इंटरैक्ट करेंगे अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन uh, पूछा गया है तो उसको आप अपने तरह से किस तरह कस्टमाइज करेंगे और ये सारी चीजें आपको जो है सेल्फ एनालिसिस हेल्प करता है अब इसमें अंतर क्या होता है व्हाई डू वी नीड दिस सेल्फ एनालिसिस इज बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल देके मैं समझाऊं कि आजकल के जमाने में आपको इंटरव्यू के जो रेगुलर क्वेश्चन है टेल मी टेलमी अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सबसे बेसिक क्वेश्चन भी है इसके आंसर्स आपको करीब करीब 50 वेबसाइट में अलग अलग मिल जाएंगे और उनमें से कोई एक वेबसाइट पे आप जरूर जाके रिसर्च कर सकते हैं वो आंसर प्रिपेयर करने में आपको मदद मिलेगी ऑब्वियसली बट इट लैक्स द कस्टमाइजेशन मतलब आपका अपना जो एक पर्सनल टच है वो वहां पर लैकिंग रह जाता है जिसकी वजह से द थिंग इज दाइट आंसर क्यों ना अलग अलग तरीके से डेवलप कर दे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और लार्जर देन द नंबर ऑफ वेबसाइट्स प्रोवाइडिंग यू विद आंसर तो इससे होता क्या है कि अगर 50 में से एक वेबसाइट आपने अगर सिलेक्ट की है जिसमें से आप आंसर प्रिपेयर करने में हेल्प ले रहे हैं तो वो एक वेबसाइट पचास हजार बच्चों बच्चे भी उस वेबसाइट से जो है हेल्प ले रहे हैं एंड उनमें से बहुत जो है स्टूडेंट्स वो सेम जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे क्योंकि आपका स्पेसिफिकेशन भी होता है कि आप अगर एक डॉक्टर ये है इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आप एक आई टी डिपार्टमेंट से जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है जो मैनेजमेंट से स्टूडेंट क्वालिफाइड है सबके लिए एक अलग अलग वेबसाइट्स बना दी गई हैं तो व्हेन यू रिसर्च और व्हेन यू सर्च ऑन गूगल दैट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल तो उसमें वो सेम क्वेश्चन आएंगे जो बाकी बच्चे भी सेम प्रोफाइल के लिए कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि काफी आंसर्स जो होते हैं वो सिमिलर होना शुरू हो जाते हैं अब इंटरव्यू जो है अगर आप एम्प्लॉयर्स uh, के सामने जा रहे हैं वो ही सेम आंसर दोहरा रहे हैं बार बार जो शायद आपसे पहले चार पांच और लोगों ने मिनिमम बोला होगा तो इवन इफ यू आर द फर्स्ट वन टू इंटरव्यू द एम्प्लॉयर्स आर नॉट लाइक दे आर नॉट स्टूप दे आर नॉट द पर्सन टेकिंग इंटरव्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम दे करियर सो इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग योर सेल्फ आप अपने आंसर को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग मतलब टेलमी अबाउट योर सेल्फ बेसिकली एक ब्रीफ आंसर है, है जिसमें आपको आंसर ये करना होता है ब्रीफिंग करनी होती है कि आप पर्टिकुलरली क्या है ठीक है वॉट आर यू बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ये इस तरह नहीं है कि यू आर अन और समथिंग लाइक दैट इट इज बेसिकली वेर यू हैव टू

आइडियोलॉजी होता है ठीक है जैसे आपके बारे में पूछा जाए किसी दोस्त से आपको कि ये किस तरह का व्यक्ति है तो कुछ एड्जेक्टिव आपके बारे में वो बताएंगे दैट ही 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 इज 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 अ अ अ नाइस पर्सन पर्सन सपोर्टिंग गुड फ्रेंड तो ये सारी चीजें वो बताएंगे तो ये दूसरों का नजरिया होता है आपको अपने नजरिए से बताना है कि आप क्या हैं वट मेक्स यू अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस इंटरव्यू तो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ ये बिना सेल्फ एनालिसिस के अगर आप लिखते हैं या एक पर्टिकुलर वेबसाइट से जाकर कुछ आंसर्स से आप कॉपी कर लेते हैं इवन इफ यू ट्राई टू गेट इनोवेटिव एंड लाइक यू स्टील टू टू थ्री स्टेटमेंट्स फ्रॉम फोर डिफरेंट वेबसाइट्स स्टिल इट वुड मेक

प्लस कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आप अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होते तो आप क्या करते अब इसका जो है कोई बेसिकली uh, ऑब्वियसली uh, आपको जो वेबसाइट्स हैं वो बताएंगे कि इसका ये पर्टिकुलर आंसर है ये गलत आंसर है बट समटाइम्स देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन

चार्ल्स ऑल्सो सेज दैट यू शुड नेवर टर्न डाउन अ चांस फॉर एन इंटरव्यू अब ये जो इंटरव्यू है ये पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पोजिशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें आपका अपना जो पर्टिकुलर फील्ड है आप उसके लिए जॉब इंटरव्यू में जरूर जाए ये लिखा इसलिए गया है क्योंकि कई बार जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के कारण कैंडिडेट्स अप्लाई तो करते हैं पर इंटरव्यू में नहीं जाते लाइक देर आर सम पीपल हु क्वालिफाइड जैसे आपका फर्स्ट राउंड जो होता है आईटी uh, सेक्टर्स में जो आजकल इंटरव्यू का ट्रेंड है आपको सबसे पहले एक लिंक uh, भेजा जाएगा जिसमें क्वेश्चन होंगे वो आपको आंसर करने होंगे तो वो क्वेश्चंस आप आंसर कर रहे हैं मान लीजिए किसी दोस्त ने हेल्प कर दिया बगल में बैठ कर या वॉट एवर यू हैव यू डोंट फील कॉन्फिडेंट दैट यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑन योरसेल्फ तो आप जो है अगर सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं जाते हैं आपको लगता है कि यू आर यू डू नॉट डिजर्व टू बी कैंडिडेट और अन्प्लॉयरप्लॉ इन कंपनी तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये तो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं आगे आने वाले हर जॉब प्रोफाइल में आप सोचेंगे दैट यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ़ विद एनी अदर कंट्री कंपनी ठीक है आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए नहीं सारे इंटरव्यूज के लिए गिर जाएगा तो उन्होंने चार्ल्स ने ये एडवाइस दिया आपको कि चाहे आप प्रिपेयर्ड हों चाहे आप प्रिपेयर्ड ना हों आपका जितना भी प्रिपरेशन हो आपको जरूरी नहीं है कि आपको रात भर जग के पढ़ना ही है इंटरव्यू के लिए जो भी सिचुएशन है अगर इफ यू आर इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड टू इंटरव्यू अबाउट द जॉब प्रोफाइल you यू फील इज कॉम्पिटेंट विद वॉट योर qualifications आर तो आप जरूर जाए इससे क्या होता है कि हर इंटरव्यू जो होता है वो आपको अपने बारे में एक इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन जरूर देगा कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा था इसमें मैं अटक गया था क्यों अटका इसका आंसर क्या हो सकता है जरा रिसर्च करते हैं सो यू कैन राइट इट डाउन राइट डाउन द आंसर वेन यू कम बैक होम एंड रिलैक्स सम वॉट यू मे फील दैट यू हैव बिन इंसल्टेड यू हैव बिन एम्बारे योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स और इंटरव्यूअर्स बट ऐसा कुछ नहीं होता इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो आपको जज नहीं करते हैं फ्रॉम द मोमेंट यू गेट इन साइड द इंटरव्यू रूम वो आपको वैल्यूएट जरूर करते हैं बट दे डू नॉट जज यू ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं आते तो दे फील दैट यू आर नथिंग दैट यू आप कुछ लायक नहीं है किसी लायक नहीं है इस तरह का कुछ ख्याल उनके दिमाग में नहीं आता यू आर जस्ट नॉट गुड फिट फॉर द कंपनी और अ गुड फिट फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी so what you have to do is relax down and think about the opportunities or the things that you learn from the interview that you have attended. now he also says that जो uh, आपका jo job search है वो a constant battle Hai. ठीक है और इसको win करने का देखिए जरिया ये नहीं है कि आपको job मिल जाए ये winning है कितनी opportunity आपको मिल रही है job interviews के लिए ये डिसाइड करता है कि आप विन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप जो है कोई बैटल जीत सकते हैं जब एक वॉर होता है जब एक बैटल होता है बैटल uh, अगले दिन फिर कुछ हो जाएगा जिससे बैटल का जो फेज था वो चेंज हो जाएगा तो बैटल जो होता है या वॉर जो होता है उस तरीके का ये आपको बैटल लड़ना है एंड वन डे और वन इंटरव्यू रिजल्ट नॉट लाइक give you the uh, uh, like conclusion of your life so what you have to do is you have to think about the learnings that you get from the interview in which you are not qualified and if you are not getting the interview calls like if you are not getting the opportunities of going to an interview प्लीज री योर स्ट्रैटी फॉर जॉब सर्च आप किस तरह जॉब सर्च कर रहे हैं ये स्ट्रैटेजी अपनी बदलिए जॉब सर्च करने से या एक इंटरव्यू क्वालिफाई करने से ही नहीं होता है कितने इंटरव्यूज आपको मिल रहे हैं क्या क्या आपने सीखा है हर इंटरव्यू में आप बेहतर कर पाए कि नहीं ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं तो मोटिव क्या है आपका इंटरव्यू करने का बस ये देखने का कि वो फिट मिले या नहीं ठीक है जॉब प्रोफाइल है कंपनी है उसमें वो जो पर्सन है जो कैंडिडेट है वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है दैट्स ओनली द थिंग अब वो फिट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये तो नहीं जैसे एक पजल है एक पजल अगर आ, मान लीजिए एक पजल का पीस मैं निकालती हूँ वो किसी और पजल में मैं डालने की कोशिश करूंगी तो वो नहीं जाएगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू सम अदर पजल तो इसीलिए वो फिट हमें चाहिए जहां पर आप जो है एंड इन द एम्प्लॉयर्स हैव द नीड एम्प्लॉयर्स अगर जॉब एप्लीकेशन जॉब जो है आपके पास एप्लीकेशन आ रहा है कि जॉब ये निकला है वैकेंसी निकला है तो उनके पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए और वो आप फुलफिल करना चाहते हैं तो आपका मेजर पर्पस ये होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान कि आप जो इंटरव्यूअर है उसको ये बता सके उसको ये कन्विंस कर सके कि वो जो एक पजल है उनका या वो जो एक नीड है वो आप फुलफिल कर सकते हैं ठीक है एंड ऑब्वियसली एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो आपका थर्टी मिनट्स का होता है बट इट इज जस्ट एन एवरेज जरूरी नहीं है कि तीस मिनट का ही हो कई बार एक घंटे का भी इंटरव्यू होता है कई बार पंद्रह बीस मिनट में भी इंटरव्यू खत्म हो जाता है इनफैक्ट जब से वीडियो इंटरव्यूज होने लगे हैं समटाइम्स इवन टेन मिनट्स आर मोर देन इनफ टू इवेलुएट दैट वेदर द कैंडिडेट इज गुड ऑन नॉट ठीक है तो टाइम ड्यूरेशन एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन है मतलब ज्यादातर अधिकतर देखा जाता है कि तीस मिनट तक आपका इंटरव्यू जाता है सो बी प्रिपेयर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे स्पेशली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्योंकि फेस टू फेस जा रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा है यू आर वेटिंग इन द वेटिंग हॉल ऑफ द कंपनी वेन एवर यू आर गेटिंग द कॉल टू गो इन साइड एंड इंटरव्यू बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी जो है आप अपना स्लॉट पूरा एटलीस्ट एक घंटा पहले एक घंटा इंटरव्यू के लिए पूरा खाली रखें ताकि एक घंटा पहले आप पूरा शांत हो जाएं और एक घंटा आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाए अगर आधा घंटा का भी इंटरव्यू हो रहा है बीस मिनट का भी इंटरव्यू हो रहा है तो भी इवेल्यूएशन हो जाता है इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपका इंटरव्यू दस मिनट में खत्म हो गया है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि आप एक घंटे का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप सिलेक्ट ही हो जाएंगे इट इज जस्ट एन एवरेज नंबर एंड वॉट टाइम ड्यूरेशन द इंटरव्यूअर इज रेडी टू गिव यू ठीक है बस उतना ही ये रहता है सो आई होप इट हेल्प्स यू टू गेट अ बेटर इवेल्युएशन ऑन वॉट यू हैव टू डू फॉर अ जॉब सर्च एंड इफ यू हैव एनी डाउट लीव द कॉमेंट थैंक यू सो मच